अच्छा, तो आज हमारे पास टॉपिक है ASP.NET के अंदर, ये जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर आज हम डैशबोर्ड टेम्पलेट इंटीग्रेट करेंगे किसके लिए, ट्यूटर के लिए। ठीक है भाई, देखो जिस तरह से आपको पता है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास ये जो वेबसाइट है इसको एडमिन यूज करेगा, मतलब एडमिन एक यूजर होगा, फिर स्टूडेंट जो ट्यूशन लेना चाह रहा है वो भी इसका एक यूजर होगा, और फिर ट्यूटर जो ट्यूशन देगा वो भी एक यूजर हमारे पास इस वेबसाइट का होगा। ठीक है, तो एडमिन के लिए हमने एक डैशबोर्ड बना लिया था, ठीक है, स्टूडेंट के लिए हमने एक डैशबोर्ड बना लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, आज वो जो हमारा डैशबोर्ड का टेम्पलेट है उसको मैं ट्यूटर के लिए इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि जब ट्यूटर लॉग इन करके डैशबोर्ड पे आएगा तो वहां पे वो सारी अपनी चीजों को मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो वो जो डैशबोर्ड टेम्पलेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ये हमारा डैशबोर्ड टेम्पलेट है, यही टेम्पलेट मैंने एडमिन के लिए भी यूज किया है, यही टेम्पलेट मैंने स्टूडेंट के लिए भी यूज किया है, और यही टेम्पलेट अब मैं ट्यूटर के लिए भी यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एडमिन के लिए भी एक अलग से फोल्डर बनाया था और स्टूडेंट के लिए भी मैंने अलग से एक फोल्डर बनाया था। तो अब सेम इसी तरह ट्यूटर के लिए भी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, तो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, टीएमएस प्रोजेक्ट, और ऐड पे जाता हूँ, और ऐड पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे एक फोल्डर चाहिए। ठीक है, न्यू फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे रखूंगा ट्यूटर। ठीक है, और देखो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसी ट्यूटर फोल्डर के अंदर ट्यूटर के लिए एक मास्टर पेज चाहिए। ठीक है, जिस तरह आपको पता है एडमिन के लिए भी हमने उसके फोल्डर के अंदर एक अलग से मास्टर पेज यहाँ पे बनाया था, ठीक है, इसी तरह हमने स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे एक अलग से मास्टर पेज बनाया था। ठीक है, तो सेम इसी तरह मुझे यहाँ पे ट्यूटर के लिए भी एक मास्टर पेज चाहिए। तो मैं अपने यहाँ पे जो ट्यूटर का फोल्डर है इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं, और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ न्यू आइटम में, और यहाँ पे टॉप पे आपने सर्च करना है मास्टर। ठीक है, जस्ट मास्टर लिख दो, मास्टर पेज आपके पास आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको सेकंड पे नजर आ रहा होगा वेब फॉर्म्स मास्टर पेज। ठीक है, और नीचे देखो इसका नाम हम सेट कर देते हैं, इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ ट्यूटर_ डैशबोर्ड। ठीक है, ये मैंने इसका नाम रख दिया, ऐड करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास ट्यूटर का डैशबोर्ड मतलब मास्टर पेज आ चुका है। तो अब इसके अंदर से मुझे डेटा कहाँ से लेना है भाई, देखो अगर मैं आपको अपना टेम्पलेट दिखाऊं, ठीक है, ये देखो मुझे अपने मास्टर पेज में सिर्फ क्या चाहिए, ये जो टॉप पे आपको नेविगेशन बार नजर आ रही है और ये जो लेफ्ट साइड पे आपको साइड बार नजर आ रही है, मुझे सिर्फ यही दो चीजें चाहिए अपने मास्टर पेज में। बाकी ये जो हमारे पास ये जो बीच का कंटेंट है, व्हाइट पोर्शन है, ये हर पेज के हिसाब से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो देखो मेरे पास यहाँ पे ये डैशबोर्ड का टेम्पलेट मौजूद है, देखो आपको यहाँ पे ये डैशबोर्ड का टेम्पलेट नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ भाई, देखो इसी के अंदर, ठीक है, देखो डिस्क का फोल्डर है और डिस्क के अंदर यही सारी फाइल्स हैं जो हमारे डैशबोर्ड की हैं। ठीक है, जिस तरह अगर मैं इंडेक्स फाइल को रन करता हूँ तो ये देखो ये जो आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास इसका होम पेज है डैशबोर्ड का। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, ये जो इसका डैशबोर्ड का फोल्डर है, ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अगर आप लेना चाहो तो वहां से ले सकते हो। मैं इसी फोल्डर को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं चला जाऊंगा अपने डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, इसको ओपन इन न्यू विंडो करते हैं। ठीक है, फिर मैं आ जाऊंगा अपने विजुअल स्टूडियो 2015 में, और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के अंदर जाना है। ठीक है, और हमारे प्रोजेक्ट का क्या नाम है, टीएमएस प्रोजेक्ट। ठीक है, देखो नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, और इसके अंदर एक और टीएमएस प्रोजेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है ट्यूटर के नाम से, तो ट्यूटर के अंदर आना है और यहाँ पे आपने वो जो डैशबोर्ड हमने कॉपी किया उसको यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो देखो ये फोल्डर आ गया, इस फोल्डर को मैं रीनेम कर लेता हूँ। ठीक है, इस फोल्डर को रीनेम करके मैं इसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ ट्यूटर डैशबोर्ड। ठीक है, सही। तो अब मुझे क्या करना है, देखो इसी ट्यूटर डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क के अंदर जाना है। ठीक है, और ये जो इंडेक्स वाली फाइल है, ठीक है, कौन सी फाइल है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ये वाली फाइल। ठीक है, मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ अपने ड्रीमवीवर में। ठीक है, एक टेक्स्ट एडिटर है मेरे पास यहाँ पे, आईडी है ड्रीमवीवर, राइट क्लिक करते हैं, इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे पास फाइल ओपन हो चुकी है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखो ये जो हेड के सेक्शन के अंदर ये जितना भी कोड है, ठीक है, ये जितने भी लिंक्स हैं, मेटा के टैग्स हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और मैं चलता हूँ अपने मास्टर पेज में। ठीक है, ये मेरा मास्टर पेज है, और यहाँ पे देखो ये जो हेड सेक्शन है इसके अंदर टाइटल जो है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और ये जो हेड के सेक्शन के अंदर कंटेंट प्लेस होल्डर है इससे ऊपर मैं यहाँ पे ये जितने भी मैंने हेड के सेक्शन का कोड कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर इसी तरह मुझे स्क्रिप्ट डेटा चाहिए, मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल चाहिए, तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने ड्रीमवीवर में और मैं सबसे लास्ट में चला जाता हूँ अपने इस इंडेक्स पेज के सबसे लास्ट में चला जाता हूँ। अब ये देखो ये आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में स्क्रिप्ट फाइल्स नजर आ रही होंगी, आपने इनको कॉपी करना है। ठीक है, सारी स्क्रिप्ट फाइल्स को आपने यहाँ से कंट्रोल सी करना है, और यहाँ पे आते हैं
ये जो हमारे पास बॉडी का क्लोजिंग टैग है हमारे मास्टर पेज के अंदर, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फाइल्स मैंने यहाँ पे लिंक करवा ली हैं, सीएसएस की फाइल्स, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो बॉडी है ठीक है इसके अंदर मुझे डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे अपने ड्रीमवीवर में और देखो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, टॉप पे चलता हूँ जहां से हमारा बॉडी का टैग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखो बॉडी का टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे क्लास लगी हुई है। ठीक है, इस क्लास को मुझे कॉपी करना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपने इस क्लास को कॉपी करना है और पेस्ट कहाँ पे करना है, यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास बॉडी है ठीक है मास्टर पेज की, इसके अंदर आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है क्योंकि ये क्लास है एस बी नैव फिक्स। ठीक है, ये लाजमी आपने अप्लाई करनी है अपनी बॉडी पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये जो आपको पूरा का पूरा नैव का टैग नजर आ रहा है ठीक है ये आपने कॉपी करना है। ठीक है, देखो मैं इसको यहाँ से बंद कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपको ये भी नजर आ रहा है। ठीक है, डिव लेआउट साइड नैव, इसको भी मैं यहाँ से बंद कर लेता हूँ। अब देखो ये जो दोनों आपको नजर आ रहे हैं नैव और डिव, आपने इसका सारा कोड यहाँ से कॉपी करना है और आपने इसको पेस्ट कहाँ करना है, देखो बॉडी के अंदर फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म के अंदर ही जो डिव है इसको आप रिमूव कर दो। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और ये जो हमारे फॉर्म के अंदर जो कंटेंट प्लेस होल्डर है इससे पहले यहाँ पे मैं वो अपना कोड सारा पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि मुझे यहाँ पे सिर्फ नैव बार चाहिए और लेफ्ट साइड पे साइड बार चाहिए, मतलब ये वाला जो डेटा आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर ये चार कार्ड्स हैं ठीक है, ये चार्ट्स बने हुए हैं ठीक है, और नीचे आओ तो ये डेटा टेबल बना हुआ है। ठीक है, इन सबको मुझे रिमूव करना है, मतलब ये जो व्हाइट पोर्शन है ये मुझे बिल्कुल एम्प्टी चाहिए, सिर्फ मुझे यहाँ पे डैशबोर्ड लिखा हुआ नजर आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो मैं आता हूँ यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पे टॉप पे चलते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आपको एक मेन का टैग मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे आपको देखो एक कंटेनर फ्लूड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपको देखो H1 के अंदर ये डैशबोर्ड नजर आ रहा है, ये वही डैशबोर्ड है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, ये डैशबोर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, इस H1 के टैग के अंदर लिखा हुआ है और इसके नीचे देखो ये जो आपको नजर आ रहा है ये ब्रेड क्रम है। ठीक है, और ब्रेड क्रम का ये OL यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, और इसके नीचे ये जितना भी डेटा है, मतलब ये जो चार कार्ड्स हैं, चार्ट्स हैं, इन सबको रिमूव करना है। तो देखो एक रो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, आप पहले इस रो को बंद करो। ठीक है, इसके नीचे एक और रो है, आप इसको भी यहाँ से बंद करो लेफ्ट साइड से, और देखो यहाँ पे एक और है डेटा टेबल की एक बना हुआ है, इसको भी आप बंद करो। और देखो ये जो तीन डिव्स है ठीक है, ये जो मैंने क्लोज किए, इन तीनों को आपने रिमूव करना है। ठीक है, तो अब ये सारा डेटा क्या हो गया है, यहाँ से खाली हो गया है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ तक आपको डेटा रन करके दिखाऊं, लेकिन देखो भाई मास्टर पेज को मैं डायरेक्ट यहाँ से रन नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे मास्टर पेज के साथ क्या करना पड़ेगा, एक वेब फॉर्म अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, देखो ये जो ट्यूटर का फोल्डर है इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड पे जाते हैं और यहाँ पे मैं न्यू आइटम लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो वेब फॉर्म विद मास्टर पेज। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका जो वेब फॉर्म का नाम है वो मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ट्यूटर इंडेक्स। ठीक है, मतलब ये जो ट्यूटर का होम पेज होगा, इंडेक्स पेज होगा, वो ये होगा। ठीक है, ऐड करते हैं इसको और अब देखो यहाँ पे मुझे जो मास्टर पेज सिलेक्ट करना है वो ट्यूटर के फोल्डर में। देखो ट्यूटर का फोल्डर आप यहाँ से लेफ्ट साइड से सिलेक्ट करोगे और ये हमारा मास्टर पेज है, आपने इसको सिलेक्ट करना है और ओके करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये मास्टर पेज आ चुका है। अब यहाँ पे देखो एक चीज, ये जो मेन के टैग के अंदर मैंने क्या बताया, ये जो हमारा मेन का टैग है ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे कंटेंट प्लेस होल्डर आएगा। ठीक है, तो कंटेंट प्लेस होल्डर कहाँ पे है, कंटेंट प्लेस होल्डर हमारे पास यहाँ पे नीचे था। ठीक है, देखो मैं यहाँ से आता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके ये जो हमारा मेन का टैग है ठीक है, जिसके अंदर ये कंटेनर वाला डिव है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो डैशबोर्ड है इसके नीचे यहाँ पे मुझे सेट करना है। ठीक है, मतलब देखो ये वाला जो मास्टर पेज है इसके अंदर ये जो टॉप पे आपको डेटा नजर आ रहा है ये हमारे पास नैव बार है। ठीक है, और इसके नीचे ये हमारे पास फूटर है। ठीक है, तो नैव बार भी है और साइड बार भी, इसका कोड ऊपर ही यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये जो बीच का कंटेंट है ठीक है, ये जो कंटेंट प्लेस होल्डर है इसका डेटा हर पेज में डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो देखो आप ये जो हमारा ट्यूटर इंडेक्स वाला पेज है इसको रन करने से पहले आपने यहाँ पे ये जो हमने टॉप पे लिंक्स यहाँ पे सेट की थी। ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ पे आपको एक लिंक नजर आ रही होगी जिसके अंदर एक फाइल है css/styles। ठीक है, अब देखो ये लिंक ये जो है ना, ये जो हमारा पाथ है ये अभी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है भाई, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अपने फोल्डर में चलते हैं। ठीक है, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपको नजर आ रहा है ये मेरा मास्टर पेज है। ठीक है, ये मेरा मास्टर पेज है और मुझे फाइल कौन सी चाहिए, मुझे फाइल चाहिए देखो ट्यूटर डैशबोर्ड के अंदर आओगे और यहाँ पे आपने डिस्क के अंदर आना है और डिस्क के अंदर देखो सीएसएस और फिर
ये वाली फाइल मौजूद है styles.css, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे पाथ किस तरह से देना, देखना, मैं यहाँ पे पाथ दूंगा ट्यूटर डैशबोर्ड, फिर डिस्ट और फिर css, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे मैं कहूंगा ट्यूटर डैशबोर्ड, ठीक है, उसके बाद स्लैश लगा के यहाँ पे डिस्ट, ठीक है, और फिर डिस्ट के अंदर css का फोल्डर है और इसके अंदर style.css वाली फाइल है, ठीक है। तो आपने स्पेलिंग यहाँ पे चेक कर लेनी है कि स्पेलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो ट्यूटर डैशबोर्ड का यहाँ पे देखो डी स्मॉल है और मैंने यहाँ पे डी कैपिटल दे दिया था, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो css फाइल है इसका पाथ आपने लाजमी सेट करना है, वरना आपके पास रिजल्ट सही शो नहीं होगा। फिर देखो ये जो ट्यूटर डैशबोर्ड स्लैश डिस्ट है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और हम नीचे चलते हैं। नीचे कहाँ जाना है, जहाँ पे हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे एक फाइल है हमारे पास js/scripts, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे ये वाला पाथ देना है, ठीक है, क्योंकि ये जो js वाला फोल्डर है ना, मतलब js के अंदर ये वाली जो फाइल है ये कहाँ पे मौजूद है, ये डिस्क के अंदर मौजूद है और डिस्क का फोल्डर कहाँ मौजूद है, ट्यूटर डैशबोर्ड के अंदर मौजूद है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये js वाला फोल्डर, ठीक है, तो देखो मैं पीछे चलता हूँ, अब देखो css के साथ यहाँ पे js का फोल्डर है और js के अंदर ये वाली फाइल है, क्योंकि देखो ये जो हमारे पास टेम्पलेट है ना, इसका जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो इस जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर है और जो उसका css का कोड है वो इस फाइल के अंदर मौजूद है, ठीक है, कौन सा, ये वाली फाइल, ये वाली, ठीक है। तो इसका पाथ सही होना चाहिए, अगर पाथ सही नहीं होगा तो आपको रिजल्ट भी सही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ट्यूटर इंडेक्स वाले पेज को गूगल क्रोम पे रन करते हैं और उसका रिजल्ट चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा ट्यूटर इंडेक्स वाला, मतलब जो ट्यूटर का डैशबोर्ड है वो बिल्कुल सही तरह यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया है। लेकिन देखो एक मसला हो रहा है, आपको यहाँ पे ये टॉप पे सर्च बॉक्स नजर आ रहा होगा, इसकी जो विड्थ है वो काफी बड़ी हो गई, मतलब ये काफी एक्सपेंड हो गया है, ठीक है। तो देखो फिलहाल मुझे ये जो सर्च बॉक्स है ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको वैसे ही यहाँ से हटा देता हूँ। तो हम चलते हैं अपने मास्टर पेज में, ठीक है। देखो मैं अपने प्रोग्राम को स्टॉप नहीं कर रहा और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये जो ट्यूटर डैशबोर्ड है इसका, ये जो हमारा मास्टर पेज है, मैं इसके नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे देखो थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे देखो आपको नैव बार सर्च, ठीक है, नजर आ रहा होगा, ये पूरा एक फॉर्म है जिसके अंदर ये एक सर्च बॉक्स है। तो इसको मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, Ctrl+K Ctrl+C, ठीक है, इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके यहाँ पे F5 करके इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारे पास वो सर्च बॉक्स तो चला गया, लेकिन एक मसला हो रहा है, यहाँ पे देखो जो यूजर था ना, जिसके ऊपर क्लिक करने से लॉग आउट का बटन आ रहा था, ये कहाँ पे था, ये था राइट साइड पे, ठीक है। अगर मैं आपको इसका एक्चुअल दिखाऊं, ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे था राइट साइड पे, ठीक है। तो ये अभी कहाँ पे आ चुका है, ये आ चुका है लेफ्ट साइड पे। तो इसकी एक वजह है, वो वजह क्या है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे स्क्रॉल करके आपने थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे देखो ये आपको पूरा यूएल नजर आ रहा होगा, ये यूएल किसका है, यही जो आपको यहाँ पे ये बटन शो हो रहा है, यूजर का बटन, ठीक है, ड्रॉप डाउन वाला, ये पूरा एक यूएल में सेट हुआ है। और देखो इस यूएल के ऊपर एक क्लास लगी हुई है, ये वाली MLMD0, ठीक है, ये क्लास आपने यहाँ से हटा देनी है, ठीक है। आप जैसे ही क्लास हटाओगे तो ये जो आपके पास ये जो यूजर है ये ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, राइट साइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने अपना कोड सेव किया और ब्राउजर पे आके F5 करके इसको रिफ्रेश करते, ठीक है। तो देखो ये राइट साइड पे चला गया और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो बिल्कुल सही तरह से ये ओपन भी हो रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो ये जो नैव बार है, ठीक है, यहाँ पे जो तीन बटन आपको नजर आ रहे हैं डैशेज वाले, आप अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो साइड बार है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे ये कोलैप्स हो जाएगी, आप दोबारा क्लिक करोगे तो ये दोबारा शो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब एक और लास्ट काम इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे टॉप पे क्या शो हो रहा है, लेफ्ट साइड पे स्टार्ट बूटस्ट्रैप है, मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है ट्यूटर डैशबोर्ड, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो हम यहाँ पे आते हैं, टॉप पे आ जाते हैं, यहाँ पे जहाँ पे ये स्टार्ट बूटस्ट्रैप लिखा हुआ है, ठीक है, देखो ये स्टार्ट बूटस्ट्रैप लिखा हुआ है, यहाँ पे आके मुझे यहाँ पे सेट करना है ट्यूटर डैशबोर्ड, ठीक है, क्योंकि ये ट्यूटर का डैशबोर्ड है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हमने लास्ट भी सेट करना है, ठीक है। और अब इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके F5 करके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ट्यूटर डैशबोर्ड यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, मतलब देखो हमने अपने ट्यूटर के लिए बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से डैशबोर्ड को इम्प्लीमेंट कर लिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या काम करना है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ट्यूटर के लिए लॉगिन फॉर्म बनाना है, ठीक है। और जब भी ट्यूटर लॉगिन सक्सेसफुल होके आएगा तो वो कहाँ पे आएगा, इस डैशबोर्ड पे आएगा, ठीक है। और डैशबोर्ड पे यहाँ पे राइट साइड पे हम उसका नेम डिस्प्ले करवाएंगे और लॉग आउट बटन की फंक्शनैलिटी भी इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये सारा काम करेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने दोस्त आदिल को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।